और उनको लगा कि हम लोग इन्हीं का सेटिंग बनाने लगे कि ये कहाँ है। वो खुद बोले कि हम ही को ढूंढ रहे थे लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉक। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। सुबह के ना बज रहे हैं 9:30। फाइनली नहाकर ना एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी चलते हैं मम्मी के पास, चाय वगैरह लेते हैं। इसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा काम है अपना कढ़ाई तक। इसके करीबन 1-1.5 घंटे का है। सुमन भी को बुलाया उधर साइड से, वो काम पेंडिंग पड़ा था करीबन काफ़ी टाइम से, उसी निपटाते हैं अगर सुमन भी फ्री होंगे तो। क्योंकि उनके ना उनको भी आज रीवा जाना था, कुछ उनकी मशीनें ख़राब थी, बोल रहे थे कि आज चलिए दुकान। मेरा तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ ज़्यादा अगर फोर्स करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा दुकान, तो चलें। और सचिन का भी पेपर है तो वो भी बोल रहा था जब आप जाना तो मेरे को भी लिए जाना, तो अगर जाते हैं दुकान साइड तो लिए जाएंगे उसको भी। और अभी ना पापा मस्त लाए, कह था आज पता नहीं कहाँ से चाट पे, दो तो बड़े बड़े हैं और दो छोटे छोटे हैं, तो इनकी आज बनेगी चटनी। तो देखते हैं, अगर अभी बना देगी साथ ही तो ठीक है, नहीं तो रात में चटनी बनाएंगे। क्योंकि इस समय ना चटनी वगैरह अगर हो जाती किसी आम की या कहते कि खाने में मजा आता, लेकिन हाँ मेरे को कैसा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ बन जाएगी तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे को मज़ा नहीं आता इसको खाने में दाने के कारण। और आम की चटनी मिल जाती तो ज़्यादा सही रहता। अब चलते हैं मम्मी के पास, चाय मम्मी बना रही हैं, पापा भी आज वहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि पूजा अभी लगता है शुरू भी नहीं किए हैं। और स्वाति लगी हुई है बॉटल वगैरह भरने में पानी का, क्योंकि सुबह से बेचारी कम से कम 4 बार भरती है, सुबह दोपहर शाम रात 4 से 5 बार बॉटल भरना पड़ता है। और बॉटल भी इतने नहीं, 7-8 बॉटल भरती है तब जाकर पूरा दिन निकलता है पानी का, इतना ज़्यादा पानी लगता है। अगर कोई ना रहे तब तो कोई बात ही नहीं, वो तो पंडित भी नहीं है। गाइस, तो अभी हमारा हो गया है खाना और यहाँ पास भी खा रहे हैं भैया का खाना। और मम्मी आज व्रत है तो मम्मी खाना नहीं खाएंगी, तो उनका शाम का ही होगा जो होगा खाना। और यहाँ पास भैया की एडिटिंग क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, दुकान का कुछ काम। और यहाँ पास खाना भी उनका बिस्तर में खा रहे हैं खाना। बिस्तर में कौन खाता है खाना, पप्पा देखेंगे ना, डांटेंगे भैया तुम्हें, समझ गए। हम खाते हैं, आप भी पप्पा बुलाती हूँ फिर बताती हूँ। बिस्तर में खाना खा रहे हैं। देखिए गाइस, इस इंसान को ये कहाँ गई, अरे इधर तो आओ, अपना मुखड़ा तो दिखा दो। चली गई बस, जस्ट सोकर उठे, मुँह वगैरह धुले हैं, बिकॉज इस समय ना फिर से लाइट थोड़ा सा परेशान करने लगी। 12:45 में चली जाएगी, 1:30 बजे आएगी, इसके बाद 3 बजे फिर से चली जाएगी। लेकिन आज ना मैं दबा कर सोया, लाइट जाने के बाद भी ससुरा 4 बजे तक मैं सोता ही रह गया। 3 बजे चली गई, 1 घंटे तो भी सोया। फिर 4 बजे ना स्वाति के उधर साइड ना बच्चे आ गए थे पढ़ाने के लिए, कोचिंग वाले जो लड़के हैं, तो फिर उठना पड़ा। फिर मम्मी के रूम में यहाँ पे आकर 1/2 घंटे लेटा रहा मोबाइल चलाते। अभी लाइट आई है, अभी मुँह वगैरह धुले हैं और मम्मी लगी हुई हैं अपने काम में, गेहूँ वगैरह का कुछ कर रही हैं और स्वाति लगी है कोचिंग पढ़ाने में। मम्मी का आज व्रत है तो अभी से खाना बनाना शुरू कर दिए 6 बजे से, और बोल रहे थे 5:30 बजे खाना खाकर मैं फ्री हो जाऊंगी, अभी 6 बजे हैं बना रहे हैं, मतलब 6:30 बज जाएंगे। सचिन फल फूल ला नहीं देता तब तक में, अभी नहीं आया। जय हो। मम्मी को ना मैंने बोला था केला मंगवा दे रहा हूँ केला और सेब, तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोला मैं 5:30 बजे खाना खाकर फ्री हो जाऊँगी, और अभी बज रहे हैं 6, मतलब 6:30 बज ही जाएंगे। इसी चक्कर में हमारे स्वाति मैडम का भी काम बन जाएगा, 2 रोटी का। स्वाति मैडम का ना आया नहीं भैया। 2 रोटी पा ही जाएगी कम से कम अभी। मैं तो समझी नहीं क्या, भूख लग रहा होगा ना, थोड़ा लगी। मैं पी ली अभी लस्सी, कुछ दे तो मेरे को, मैं चला जाऊँ बोर। और गाइस मैं भी बोर जा रहा हूँ बिकॉज पापा आ चुके हैं, वहाँ जानवर भी परेशान करते हैं, और एक बड़ी मम्मी वहाँ रहती हैं, बट इस समय उनकी तबीयत ख़राब है कल से, तो आज उनको ना काफ़ी ज़्यादा बुखार है, तो वो नहीं आ पाएंगी। पापा ने बोला कि नहीं आएंगी तो चले जाना। और गाइस आज हम लोग विकास के तिलक में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, मैं सुमन भैया दोनों लोग जा रहे हैं। ये इंसान आया है 1 घंटे से बैठे हुए चाय के चक्कर में, नहीं तो चाय के साथ साथ में हवा लेते हुए बैठा है कि ये बोल ये रहे हैं कि बफर में जहाँ प्लेट धुलेगी वहाँ से हमको पनीर और पूड़ी लिए आना है, बस तो हम कोशिश करेंगे, टिफिन की व्यवस्था हम लोग ये करेंगे कि भैया बुआ बाहर खड़ी हैं, जा रही हैं, रात दे दो अनाम, फिर यहाँ आकर फिर इसको रात में देंगे, जगह जगह कर खिलाया जाएगा जो ना। हाँ, अभी ना गाइस हम लोग ना यहाँ से जल्दी से निकलते हैं बिकॉज फिर ना ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि 8:10 शायद से 7:58 हो चुके हैं, और अपने को वहाँ पहुँचते 1 घंटे लग जाएंगे, 9 बज जाएंगे, कहीं उसका फ़ोन भी ना आने लगे कि इतना लेट आ रहे हो तुम लोग। तो जब पहले हम लोग यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद अभी हम लोग ना जा रहे थे विकास के तिलक में, APSC यूनिवर्सिटी वाली रोड में। हम लोगों को ना पहले ललित भैया का फ़ोन आया था, सुमन भैया के फ़ोन में, कि एक नंबर भेज रहे हैं, तो इसका पता लगाइए कहाँ का है, कहाँ मिलेगा। और हम लोग आए सडनली APSC बाईपास से, जैसे ही नीचे उतरे तो खुद हम लोग मिल गए, और उनको लगा कि हम लोग इन्हीं का सेटिंग बनाने लगे कि ये कहाँ है।
खुद बोले कि हम ही को ढूंढ रहे थे लोग। मतलब गेम किसी और को करना था, वो खुद हम लोग उन्हीं को पकड़ ले गए। तो अभी हम लोग वो चले गए हैं क्योंकि उनके साथ सभी लोग थे, स्टाफ की आई साहब लोग भी थे, वो जल्दी में भी थे और हम लोगों को भी निमंत्रण निकलता था। बिकॉज अभी हम लोगों का टाइम यहीं हो गया है, 9:49 हो चुके हैं, मतलब अभी 20 मिनट का रास्ता अप्रॉक्स बचा, तो अभी वहाँ चलते हैं जल्दी से। गाइस अभी ना जस्ट आए हैं वहाँ से, विकास के यहाँ से तिलक चढ़वाकर और मैं सुमन भैया दोनों लोग थे ना, तो अभी रात के बजे हैं 12:30, अभी जस्ट घर पहुँचे। मम्मी को भी काफ़ी बार फ़ोन आ चुका था, विकास बोल रहे थे कि भैया आज रुक जाओ कल निकलना सुबह सुबह। अभी फाइनली पहुँचे हैं घर। अभी अपने को डालना है कूलर में पानी, क्योंकि उसमें ना दोपहर में पानी डाला था, एक बाल्टी तो हो गया था। इसकी टंकी फूटी हुई है, किसी किसी दिन बहता पानी, किसी किसी दिन नहीं बहता, आज पूरा बह चुका है इधर देखिए चारों तरफ। तो अभी ना इसमें 2 बाल्टी पानी डाल देंगे तो ये आज के लिए हो जाएगा अपना, फिर कल सुबह इसको बनाएंगे। अब रात के बज रहे हैं 1, हमें पानी वानी भर कर फ्री हुआ हूँ और हम मुँह भी धुलना पड़ा। बिकॉज उधर साइड ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इतना ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि पूरा जाते समय ही हम लोग धूल से लथपथ हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक जगह रुक कर ना टॉवल से मुँह पोंछा, तब गए भाई, इतनी धूल वहाँ थी। और हाँ, अभी करना वीडियो एडिट अपना, ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे।